हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेज एंड जॉब सेलर में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे NCCS PhD एडमिशन अगस्त 2021 के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि नेशनल सेंटर फॉर सेल्स साइंस जो कि पुणे में सिचुएटेड है, यहाँ पर जो है PhD एडमिशन के लिए एप्लीकेशन को इन्वाइट किया है। तो ये जो एप्लीकेशन वो 10 मार्च 2021 को ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड PhD करने में या आपको इंटरेस्ट है रिसर्च में, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई वो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि स्टूडेंट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड हैविंग वैलिड फेलोशिप फ्रॉम CSIR UGC DBT कैटेगरी 1 ICMR बिन ऑल आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर आपके पास आपकी खुद की फेलोशिप है और आपने अपना PG डिग्री कंप्लीट कर लिया या अपना लास्ट ईयर में आप हैं PG डिग्री के, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका DST इंस्पायर है विद नेट LS और गेट है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट कर ली और आपके पास कोई फेलोशिप नहीं, लेकिन आपने जो है JEE BI LS एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया जो कि NCBI और TFIR कंडक्ट कराता है, तब भी आप इसके लिए जो है एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए जो है वो आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, आप देखिए इंटरव्यू जो होगा वो आपका 22, 23, 24 जून 2021 को होगा। डेट यहाँ मेंशन कर रखी है। तो आई थिंक द इंटरव्यू जो भी आपका रहेगा वो आपका रहेगा ऑफ ऑनलाइन मोड में, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से जो है आई थिंक सारे इंस्टीट्यूट वो क्लोज हैं। तो आपको यहाँ पे जो इंटरव्यू रहेगा वो आपका ऑनलाइन मोड में ही रहेगा, लेकिन उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा है, तो मे बी ऑनलाइन मोड में रहे। ठीक है, तो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपका यहाँ पे PG डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और आपका जो है वैलिड फेलोशिप होनी चाहिए, यानी कि यू शुड हैव योर ओन फेलोशिप लाइक CSIR UGC DBT। इसके अलावा जो है अगर आपने अपना JEE बिल्स भी अगर आपने जो है क्वालिफाई कर रखा है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जिन्होंने सिर्फ CSIR UGC नेट है क्वालिफाई किया है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए मुझे मेंशन कर रखा है, अगर आपका PG की डिग्री के लास्ट में है, लास्ट सेमेस्टर में, तो अगर आपका PG डिग्री जुलाई 2021 तक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब भी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एज लिमिट है GRF की, वो 28 ईयर्स है, विच इज रिलैक्स अप टू 5 ईयर इन द केस ऑफ SC ST वुमेन PWD एंड 3 ईयर्स इन केस ऑफ OBC कैटेगरी। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। तो अगर आप किसी कैटेगरी वाइज आप जो है इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो आपके पास आपका वैलिड SC ST या OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जो है आप इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जब आप ये जो लाइक आपको अप्लाई करना ऑनलाइन, तो आपको मेल के थ्रू अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप जब मेल के थ्रू अप्लाई करें या मेल लिखे, तो आप क्लियरली मेंशन करें सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर PhD अगर 2021 सेशन, ताकि उन्हें आसानी से आपका एप्लीकेशन रिसीव हो जाए। ठीक है, तो आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप NCCS की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको MSc की मार्कशीट लगाना है, और आपको अपना फेलोशिप सर्टिफिकेट लगाना है। जिसके बाद फेलोशिप सर्टिफिकेट नहीं है, वो अपना मार्क्स मेमो भी लगा सकता है या अपना एडमिट कार्ड लगा सकता है, और उसे आपको सेंड कर देना PhD@NCCS.RES.IN सिंगल फाइल में। आपको एक सिंगल PDF बनाना है, उस PDF में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म, MSc मार्क्स स्टेटमेंट और फेलोशिप सर्टिफिकेट या एडमिट कार्ड, और आपको सेंड कर देना है PhD@NCCS.RES.IN सिंगल फाइल में बिफोर 21 मई 2021। ठीक है, इसके अलावा देखिए ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट NCCS पुणे और फॉर सॉर्टी कैंडिडेट एज पर सिलेक्शन क्राइटेरिया सेट बाय NCCS एंड डिटेल्स ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस विल बी पब्लिश ऑन द NCCS वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो आपको यहाँ पे आपको ये जो है आपका लास्ट डेट आएगा 7 जून 2021। ठीक है, तो आपका जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनका जो लिस्ट है वो अप्लाई हो जाए, वो जो है अपलोड हो जाएगा NCCS के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 7 जून 2021। ठीक है, अगर हम बात करें तो शेड्यूल PhD प्रोग्राम का, जो कि एडमिशन अगस्त 2021, यानी कि आपका शेड्यूल क्या रहेगा अगर आप इस सेशन में जो है अगस्त सेशन में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे लास्ट डेट जो मेंशन कर रखी है उन्होंने 21 मई 2021 है, और जो पब्लिकेशन है लिस्ट की, यानी कि आप अगर शॉर्टलिस्ट हुए कि नहीं, तो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो NCCS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगी 7 जून 2021 को। इसके बाद जो डेट और टाइम होगा इंटरव्यू का, वो 22, 23, 24 जून फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स। ठीक है, एंड द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ इंटरव्यू विल बी 28 जून 2021 एंड द सबमिशन ऑफ गाइडेड सिलेक्शन फॉर्म 5 जुलाई 2021, और जो आपका ज्वाइनिंग रहेगा PhD का वो स्टार्ट हो जाएगा 2 अगस्त 2021 में। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपका डिस्कस किए। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करिए, और फिलअप करने के बाद इसका स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आपको सिंगल फाइल बनानी है, तो इस सिंगल फाइल में आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी MSc की मार्कशीट और आपका जो है यहाँ पे लाइक फेलोशिप
लेटर या आपका जो है एडमिट कार्ड जो है आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर भी ना जाइएगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।